नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मध्य प्रदेश दर्शन के तीसरे एपिसोड में, जो प्रस्तुत कर रहे हैं द खबरदार न्यूज और शहरयार। आज हम आपको ले चलेंगे बांधवगढ़, जिसे बाघों की भूमि भी कहा जाता है। क्या आप राजनीति और रोजमर्रा की हलचलों से परेशान हो चुके हैं? तो चलिए कुछ दिनों के लिए इन सबसे दूर, प्रकृति की गोद में एक ऐसी जगह जहां न केवल आपकी आत्मा को शांति मिलेगी बल्कि रोमांच और इतिहास से भी आप रूबरू होंगे। बांधवगढ़ मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में स्थित है और यह स्थान जंगल, नदियों और पहाड़ों से घिरा हुआ है। यहां की हरियाली और वन्य जीवन आपकी थकी हुई आत्मा को ताजगी का एहसास दिलाएंगे। क्या आप जानते हैं कि यहां का बांधवगढ़ किला त्रेता युग का है? कहते हैं भगवान राम ने यह किला अपने भाई लक्ष्मण को भेंट किया था। आज भी यह किला और यहाँ की प्राचीन मूर्तियाँ इतिहास की अद्भुत कहानियाँ बयां करती हैं। बांधवगढ़ के जंगल सफारी का अनुभव आपको जीवन भर याद रहेगा। यहाँ आपको बाघ, चीता, तेंदुआ, भालू और ना जाने कितने वन्य जीव देखने को मिलेंगे। चलिए आपके हर सवाल का जवाब देंगे, आपके सफर की योजना बनाएंगे और आपको बताएंगे कि कैसे आप इस रोमांचक यात्रा का आनंद ले सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और जानिए बांधवगढ़ की वो बातें जो शायद ही आपने कभी सुनी होगी। तो दोस्तों, शुरू करते हैं यह अद्भुत सफर मध्य प्रदेश दर्शन के साथ। राजनीतिक खबरों को देखकर लगभग पूरा देश फ्रस्ट्रेट हो चुका है। ज्यादातर लोग घरों में कैद होकर मोबाइल और टेलीविजन पर वही घिसे पिटे डेली न्यूज और डेली सोप देखकर ऊब चुके हैं। ऐसे में यदि कोई भारत भ्रमण या ट्रैवल का प्लान करेगा तो कहीं ऐसी जगह जाना चाहेगा जो प्राकृतिक आवास में हो और जहां दिमाग और दिल दोनों को ठंडक मिले। इसके साथ ही शहरों की हवा और बंगलों से दूर हटकर अध्यात्म और प्रकृति से जुड़ने का मौका मिले। अगर आप भी ऐसी ही एक ट्रिप की तलाश में हैं, तो मैं आपको बताता हूँ यह उत्तम स्थान जो आपको इतिहास, मॉन्यूमेंट्स, जंगल और प्राकृतिक आवास के करीब ले जाएगा। जी हाँ, जैसा कि हम सबको पता है कि मध्य प्रदेश टूरिज्म पहला ऐसा स्थान है जो हर किसी के दिमाग में आता है, और आए भी क्यों नहीं भाई। 80% हिस्सा जंगल में जो है, और इसी मध्य प्रदेश टूरिज्म के अंदर आता है बेहद खूबसूरत और प्रकृति व जंतुओं को करीब से महसूस कराने वाला स्थान बांधवगढ़। तो आइए जानते हैं कहाँ स्थित है बांधवगढ़। बांधवगढ़ मध्य प्रदेश का एक फेमस टूरिस्ट और पिकनिक स्पॉट है, जो कि मध्य प्रदेश के उमरिया जिले से लगभग 30 किलोमीटर अंदर है। छोटे पहाड़ों, नदियों, झरनों और हरे भरे लहलहाते जंगलों से घिरा बांधवगढ़ आपके लिए एक बढ़िया ऑप्शन हो सकता है। यदि आप प्रकृति के करीब आना चाहते हैं या वन्य जीव प्रेमी हैं, बांधवगढ़ अभयारण्य भारत के सबसे ज्यादा घूमे जाने वाले अभयारण्यों में से एक है और भारत के सबसे ज्यादा फेमस जंगल सफारी में से एक है। यहाँ की सैर आपको आपके जीवन की सबसे बेस्ट मेमोरीज दे सकती है। सोचिए एक ऐसा स्थान जो जंगल के बीच में स्थित हो और वहीं एक अभयारण्य हो जिसके अंदर प्राकृतिक घटा को लपेटे हुए खूबसूरत रिजॉर्ट हो, जहाँ कोई टेलीविजन नहीं हो, कोई सांसारिक सुख ना हो, बस आध्यात्मिक और प्राकृतिक सुख हो, जहाँ आप चारों तरफ से जंगली जानवरों के बीच हो और बारिश व हरियाली आपको अपनी ओर खींच रही हो, वो समा और माहौल आपके लिए कैसा अनुभव होगा। तो ऐसे ही ऐतिहासिक और प्राकृतिक कहानियों को लपेटे हुए बांधवगढ़ के बहुत से किस्से हैं जो बहुत फेमस हैं, और इन किस्सों को करीब से अनुभव करना आपका हक है। तो सबसे पहले जानते हैं कि आखिर बांधवगढ़ का इतिहास क्या है। ऐसा माना जाता है कि बांधवगढ़ के अंदर जो बहुचर्चित किला है, उसका इतिहास त्रेता युग का है और भगवान राम ने ये किला अपने भाई लक्ष्मण को भेंट स्वरूप दिया था। इसके बाद युग बदलते गए और किले के हकदार भी। बांधवगढ़ रीवा के महाराज और नवाबों का शिकारगाह हुआ करता था, जहां रीवा के महाराज ने ही सर्वप्रथम सफेद शेर देखा था। इसके बाद सन 1968 में इस जंगल को राष्ट्रीय अभयारण्य बना दिया गया। बांधवगढ़ के अंदर आपको इतिहास के पन्नों को लपेटे हुए जर्जर किला, प्राचीन काल की मूर्तियां व मंदिर मिलेंगे। यहाँ लगभग 600 से अधिक पशु पक्षियों की प्रजातियां मिलेंगी, जिनमें बाघ प्रमुख है और यह टाइगर रिजर्व भी है, जहाँ पूरे भारत में सबसे ज्यादा बाघ मिलते हैं। इसके साथ ही यहाँ बंगाल टाइगर्स, चीता, तेंदुआ, एशियाई भालू, ग्रिजली बियर, पार्क पाइन, हाथी, भेड़िया, सियार, जंगली कुत्ते, वाइल्ड पिग, नील गाय,
लकड़बग्घे, गेंडे सहित बहुत सारे स्तनधारी जीव आसानी से देखने को मिल जाते हैं। यहाँ तितलियों की कई प्रजातियाँ और हिरण की लगभग 10 प्रजातियाँ व गिद्ध, बाज, हंस, सारस समेत लगभग 200 पक्षियों की प्रजातियाँ देखने को मिलती हैं। अमूनन बांधवगढ़ विजिट करने का सबसे उचित समय नवंबर से मई का होता है। इसके अलावा बारिश के सीजन में जुलाई से सितंबर में भी यह स्थान अधिकतम हरा भरा हो जाता है। तो अब सवाल आता है कि आखिर बांधवगढ़ में ठहरा कहाँ जाए। तो यहाँ रुकने के लिए अभ्यारण्य के आसपास ताला रोड व अन्य गेट्स के आसपास कई रिजॉर्ट मिल जाएंगे, वो भी उचित मूल्यों पर। यहाँ आपको साधारण, डिलेक्स, वीआईपी व ट्री हाउसेस इत्यादि मिल जाएंगे, जो आपको इस स्थान पर दोबारा आने पर मजबूर करेंगे। अब तक यह वीडियो देखने के बाद आपके मन में कई सवाल आ चुके होंगे, जैसे इतनी खूबसूरत जगह तक पहुंचा कैसे जाए, ट्रेन कहां से मिलेगी, किराया कितना होगा, नजदीकी स्टेशन क्या है, रुकने की क्या व्यवस्था होती है, पर्सनल टैक्सी वगैरह कैसे मिलती हैं, जंगल सफारी कैसे करेंगे, उसका खर्च कितना होगा, खाना पीना कहाँ से और कितने बजट में होगा, और ओवरऑल बजट क्या होना चाहिए। आपके इन सभी सवालों का जवाब द खबरदार न्यूज प्राइम और शहरयार का टूरिस्ट गाइड मित्र देगा। तो चलिए आपको बताते हैं कि आप बांधवगढ़ सफारी का लुत्फ कैसे उठा सकते हैं। बांधवगढ़ अमूनन अपने टाइगर रिजर्व के लिए जाना जाता है, जो उमरिया जिले से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, और पर्यटक मुख्यतः बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान ही विजिट करने आते हैं। लेकिन इसके अलावा भी उमरिया जिले से कुछ दूरियों पर और भी प्रमुख और ऐतिहासिक स्थान हैं जिन्हें देखा जा सकता है, जिसमें चंडिया गांव, विरसिंहपुर पाली मंदिर, शेष शैया, बांधवगढ़ किला, चारांग गंगा नदी उद्गम, पानपथ वन्य जीव अभ्यारण, बघेल म्यूजियम जहां पहला सफेद शेर का अवशेष है, बांधवगढ़ हिस्टोरियल केव, बेल्हा मंदिर और बड़ेरी गांव प्रमुख स्थल हैं। बांधवगढ़ आप देश के अलग अलग हिस्सों से आ सकते हैं। मुख्यतः बांधवगढ़ आने के लिए आपको फ्लाइट, बस, ट्रेन और टैक्सी मिल जाती है। अगर आप फ्लाइट से आ रहे हैं तो आपको जबलपुर आना होगा, जहां से बांधवगढ़ की दूरी लगभग 153 किलोमीटर है। जबलपुर से बिलासपुर के लिए ट्रेन पकड़नी पड़ेगी और बीच में पड़ता है उमरिया, जहाँ उतर कर आपको 30 किलोमीटर का सफर टैक्सी से करना पड़ेगा। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के लिए मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, हैदराबाद, इंदौर से जबलपुर के लिए आपको सुविधा अनुसार फ्लाइट मिल ही जाएगी, जिसके बाद जबलपुर से आप लगभग 150 रुपए खर्च करके कटनी या उमरिया पहुंच जाएंगे। आप चाहे तो पर्सनल टैक्सी भी कर सकते हैं, जो लगभग 2500 तक चार्ज करती है। मेरे हिसाब से टैक्सी बेस्ट ऑप्शन नहीं रहेगा, ट्रेन रहेगा। उमरिया पहुँच कर आपको 200 से 500 के बीच टैक्सी मिल जाएगी, और कैब भी लगभग 300 से 600 रुपए में सीट और लोगों के अनुसार मिल जाएगी। अब अगर स्टे की बात करें तो आप दो तरीकों से यहाँ की सफारी चुन सकते हैं। पहले आपको यह डिसाइड करना होगा कि आप अपना सफर किस गेट से शुरू करेंगे, क्योंकि मुख्यतः बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में चार गेट हैं, पनपथा, हितौली, आला और शेष सैया। आप अलग से रिसॉर्ट लें, अलग से गाइड करें, अलग से जिप्सी लें और खाना खजाना भी अलग से करें, या तो आप किसी रिसॉर्ट का पैकेज लें जिसमें गाइड, जिप्सी, 2 डेज सफारी, 2 नाइट, 3 डेज स्टे, फूडिंग, लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, चाय इत्यादि शामिल होते हैं। इसमें आप डिलक्स, वीआईपी और लग्जरी पैकेज भी चुन सकते हैं, जिसके अलग अलग रेट हैं। यदि आप डिलक्स पैकेज लेते हैं तो आपको प्रति व्यक्ति लगभग 7000 रुपए के आसपास पे करने होते हैं, जिसमें 2 रातें और 3 दिन समेत गाइड, खाना पीना, एंट्री चार्ज, जिप्सी आदि शामिल होते हैं। बांधवगढ़ घूमने के लिए ओवरऑल 9000 रुपए का खर्चा आता है, जो एक बहुत महंगा सौदा नहीं है। ट्रेन की बात करें तो लगभग अलग अलग रूट से अलग अलग टिकट्स होते हैं, जिसकी आप विभिन्न वेबसाइट और एप्लीकेशंस के माध्यम से पता कर सकते हैं। निकटतम स्टेशन कटनी, सतना और उमरिया है। लगभग यही अनुमान बस का भी होता है। तो अगर आप बांधवगढ़ आ रहे हैं तो ट्रेन बेस्ट ऑप्शन है, जो कि जमीनी खूबसूरती से आपको रूबरू कराती है। पैकेज एक उचित ऑप्शन होता है। आप जब भी बांधवगढ़ आइए, 3 दिन का समय बांधवगढ़ के लिए
और एक से दो दिन ट्रैवलिंग के लिए निकाल कर आइए। जब भी आइए अपनी फ्रेंड और फैमिली के साथ ही आइए, जिससे न सिर्फ खर्चा बचता है बल्कि मजा भी चार गुना बढ़ जाता है। अब सवाल उठता है कि आखिर बांधवगढ़ में कर क्या क्या सकते हैं। अगर आप यहाँ घूमने आ रहे हैं तो प्रकृति से जुड़िए और सांसारिक मोह माया जैसे मोबाइल, लैपटॉप आदि वस्तुओं को अपने बैग में बंद कर दें और प्रकृति का भरपूर आनंद उठाएं। इसके साथ ही यहां जंगल सफारी के साथ साथ आप हॉट एयर बलून का भी लुफ्त उठा सकते हैं और अपने रिसॉर्ट में कई सारी गेमिंग एक्टिविटीज जैसे स्विमिंग, हाइड एंड सीक के साथ अन्य खेलों का आनंद उठा सकते हैं। तो ऐसा है हमारा बांधवगढ़। तो कब आ रहे हैं बांधवगढ़ के राजाओं की रियासतें और सीता बाघिन तथा गुज्जर बाघ के वंशों को देखने। आपको पता है सीता बाघिन इंसानों के बेहद करीब रही है, जिसके नाम सबसे ज्यादा फोटोग्राफ का गिनीज रिकॉर्ड भी है, और वहीं गुज्जर को दुनिया का सबसे ताकतवर बाघ के रूप में जाना जाता है। तो है ना यह कमाल की बात। तो चलिए मिलते हैं बांधवगढ़ के शानदार सफर पर, जहां करेंगे बातें जंगल से और भरेंगे उड़ान इतिहास के पन्नों पर। आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें, ताकि द खबरदार न्यूज प्राइम और शहरयार आपके लिए ऐसी ही शानदार ट्रैवलिंग गाइड और शहरों की जानकारियां लाता रहे। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें द खबरदार न्यूज और शहरयार के साथ।